वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपके लिए आपके पास हमारे लिए कोई और आइडिया हो तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, फैशन ख्वातीन के लिए एक बहुत ही कीमती सरमाया है जिसमें फैशन को अपनाने में सबसे पहले हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो आए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, हमने आपके सामने कुछ आइडियाज़ पेश किए हैं, इनमें से आप पसंद करेंगे जो, उसको बिला झिझक आप इस्तेमाल करें। अगर आप उससे हिचकिचाहट महसूस करते हैं और आप उसे अपनाते नहीं हैं, आप इस बात की तरफ कभी भी नहीं जा सकते कि आप कैसे नुमाया हो सकते हैं। जैसे ही हमने न्यू ईयर में कदम रखते हैं, फैशन की दुनिया मुसलसल तरक्की करती जा रही है, नए रुझानात को अपनाते हुए एक जदीद मोड के साथ क्लासिक तर्जों पर नज़रसानी करते हुए इस साल ख्वातीन के मलबूसात पायदारी जिद्दत और लाजवाल खूबसूरती के इम्तिजाज की अक्कासी करते हैं। न्यू ईयर में ख्वातीन के फैशन की वजाहत करने वाले अहम रुझानात पर एक नज़र। फर्स्ट नेम, पायदार फैशन। पायदारी फैशन इंडस्ट्री में सबसे आगे है। न्यू ईयर में माहौल, दोस्त, कपड़े और अखलाकी मैन्युफैक्चरिंग के अमल पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल हैं। नामियाती कपास, रिसाइकल मवाद और मशरूम के चमड़े और तहालब पर मबनी टेक्सटाइल जैसे इख्तिराई कपड़ों से तैयार करदा लिबास देखने की तवक्को करें। टुकड़े, नामियाती सूती कपड़े, रिसाइकल शुदा पॉलिएस्टर, सटर एक्टिवेयर, मशरूम चमड़े की जैकेट्स, बोल्ड रंग और प्रिंट्स। न्यू ईयर बोल्ड रंगों और दिलकश प्रिंट्स के साथ बयान देने के बारे में है। वाज़े रंगों से लेकर पचीदा नमूनों तक ख्वातीन के लिबास मुतहर्रिक और ज़िंदगी से भरपूर हैं। रंगीन ब्लैकिंग और मख़तूत ब्रांड्स ख़ास तौर पर जदीद हैं जो चिंचल और तख्लीकी मलबूसात की इजाज़त देते हैं।
کلیدی ٹکڑے، رنگین بلاک شدہ بلیزر، پھولوں کے پرنٹ کے کپڑے، جیومیٹرک پیٹرن والے اسکرٹس، حسب ضرورت خوبصورتی۔ اس سال ٹرٹل نیک ایک مضبوط واپسی کر رہی ہے، تیز اچھی طرح سے لیس کپڑوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو کہ نفاست کو زہر کرتے ہیں۔ پاور سوٹ، بلیزر اور ٹرلٹ ٹروزر کسی بھی الماری میں خوبصورتی ضروری اشیاء ہیں جو پیشہ ورانہ سیٹرگرز اور اسٹائلش آؤٹنگ دونوں کے لیے بہترین ہے۔ کلیدی ٹکڑے، ڈبل بریسٹڈ بلیزر، ڈبل اونچی کمر والی ٹریل ٹروزر، ساختی میڈی کپڑے۔ نمبر 4، ٹیک انفیوزڈ فیشن، سمارٹ ٹیکسٹائل اور پہننے کے قابل ٹیک مزید مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے ساتھ فیشن میں ٹیکنالوجی کا انضمام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے کپڑے جو صحت کی پیمائش کی نگرانی کرتے ہیں، درجہ حرارت کے ساتھ رنگ تبدیل کرتے ہیں، یا آپ کے آلات کو چارج بھی کرتے ہیں۔ وہ روزمرہ کے لباس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کلیدی ٹکڑے، اسمارٹ ورزش کے کپڑے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کپڑے درجہ حرارت کے جواب دینے والی جیکٹس، شمسی توانائی سے چلنے والے ہینڈ بیگ، ریٹرو ڈریویبل ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی فور ان فیشن، پچھلی دہائیوں خاص طور پر 70 اور 90 کی دہائیوں کے لیے پرانی یادوں کو دیکھتا ہے، عصری موڑ کے ساتھ ریٹرو اسٹائلز کا دوبارہ تصور کیا جا رہا ہے، جس میں وینٹیج چارم و جدید حساسیت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ چوڑی ٹانگوں والی جینز، کراپ ٹاپس اور بہمین لباس کے بارے میں سوچیں۔ کلیدی ٹکڑے، چوڑی ٹانگوں والی جینز، ٹائی ڈائی شارٹس، بہمین
मैक्सी कपड़े एंड उसके साथ साथ एथलेजर इर्तिका। एथलेजर का गलबा जारी है लेकिन ज़्यादा बेहतर और पॉलिश नज़र के साथ आराम और पुरसकून और रस्मी लिबास के दरमियान लाइन धुंधला हो जाती है, क्योंकि आरामदेह स्पूटी टुकड़ों को रोज़मर्रा के लिबास में जम किया जाता है। चिकना लेंगिस स्टाइलिश स्नीकर और वज़ादार होल्डीज़र तलाश करें। कलीदी टुकड़े हमवार लेंगिस डिज़ाइनर जूते और टेरल होल्डर्स मरसेह जमालियात मैनी मस्लिम एक ताकतवर रुझान बनी हुई है, जिसकी खसूसियात सिर्फ लकीरों गैर जानबदार रंगों और फ़ाल डिज़ाइनों से होती है। ये रुझान मकदार से भी ज़्यादा मेयार पर ज़ोर देता है, वर्सटाइल टुकड़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जिन्हें मुख्तलिफ मौके के लिए मिलाया जा सकता है। कलीदी टुकड़े मोनोक्रोम कपड़े सादा आला मेयार की बुनियादी बातें, वर्सटाइल पर्ची कपड़े बयान के लवाजमात। 2024 में लवाजमात एक बयान देने के बारे में है। बोल्ड ज्वेलरी, बड़े बैग्स और मखसूस टोपियाँ किसी भी लिबास में शख्सियत का इजाफा करती हैं। ये टुकड़ों को बाहर खड़े होने और यहाँ तक के आसान तारीन जोड़ को बुलंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लीडी टुकड़े चिकनी हार बड़े साइज के बैग और इसके साथ साथ चौड़ी किनारों वाली टोपियाँ न्यू ईयर में ख्वातीन के लिए फैशन का मंजरनामा मुतहरिक और मतनू है, जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पेश कर रहा है, चाहे आप पायदार फैशन मौजू खूबसूरती या जरूरतमंदाना बयानात को तरजीह दें।